साइड पे क्षत्रिय संसद जो हमारा संगठन है, हम लोग महाराजा गुलाब सिंह जी का 229वां वर्ष दिवस जो उनकी जन्म दिवस है वो मनाने के लिए सब एकत्रित हुए हैं। और आज के इस दिन के उपलक्ष्य में मैं तमाम जम्मू कश्मीर के वासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। और हम आज जो है क्षत्रिय संसद के इस संगठन के प्लेटफॉर्म से सरकार से ये डिमांड करते हैं कि जम्मू यूनिवर्सिटी का नाम और जम्मू एयरपोर्ट का नाम महाराजा गुलाब सिंह जी के नाम के ऊपर रखा जाए। और साथ में ही जो सिलेबस जो है डोगरा डायनेस्टी, जो डोगरा इतिहास जो है उसके बारे में उसमें हमारे सिलेबस में इसको शामिल किया जाए, ताकि बच्चों तक हमारे जो पूर्वजों ने जो योगदान दिए हैं, जो बलिदान दिया है, उसके बारे में बच्चों तक पूरी जो है उसका इलम हो सके और वो नॉलेज उन तक पहुँच सके। और हमारे जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो कम से कम इस चीज़ से महरूम ना रह जाएँ, उनको मालूम ही नहीं चले कि इतिहास क्या था और किस परिस्थितियों में, किन कठिन परिस्थितियों में लोगों ने इस जम्मू कश्मीर रियासत को किस तरीके से बनाया। आप सभी जानते हैं कि महाराजा गुलाब सिंह जी जो हमारे एक छोटे से गांव में जिनका जन्म हुआ, उन्होंने पूरा महाराजा रणजीत सिंह जी के साथ काम किया, उसके बाद उन्होंने जम्मू के राजा बने, उसका जम्मू कश्मीर के अमृतसर ट्रीटी के तहत उनको 16 मार्च 1847 को जम्मू कश्मीर का राजा बनाया गया। और 75 लाख रुपए में उन्होंने कश्मीर को खरीदा था, सब पूरी दुनिया जानती है। लेकिन इन तथ्यों को पूरे ब्यौरे के साथ पब्लिक के सामने लाना जो है, मैं समझता हूँ ये जब तक हमारा जो सिलेबस जो है ये हमारे क्लासेस हमारी स्टडीज़ में शामिल नहीं होगा, इसके बारे में लोगों को जागरूकता नहीं आ पाएगी। इसलिए हमारी सरकार से आग्रह है कि कम से कम ये, मैं समझता हूँ इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, सब चीज़ें तैयार हैं, सिर्फ सरकार को एक इंडिकेशन देना है कि आप जो है इसको सिलेबस में शामिल करें। और पूरा बाकायदा एक क्लास नंबर, क्लास 1 से लेकर के 11वीं 12वीं तक बच्चों को पूरा पढ़ाया जाए।